नमस्कार दोस्तों, मैं निक्की, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्लम्बर एन के में। दोस्तों आज मैं आपको जो फुल राउंड की फ़िटिंग होती है यानी टोंटी, उन जिसमें टोंटी में जो हमारी फुल राउंड की फ़िटिंग पड़ी होती है वो कई बार क्या होता है कि बहुत मुश्किल से बंद होती है, उसको घुमाते रहो तो काफ़ी टाइट बंद होती है, और कभी कभार क्या होता है कि उसको बंद भी करो तो वो फंस जाता है, उसका फेस जो है अटक जाता है, तो टोंटी बंद नहीं होती है और पानी टपकने लगता है उसमें से, और कई बार अपने आप बंद हो जाती है ढंग से बंद करो तो उसकी जो वो फेस अटकने की जो प्रक्रिया है उसका मैं जुगाड़ बताऊंगा आपको कि उसको कैसे सही करना है। इस वीडियो में आप देखना पूरा। कई बार क्या होता है कि वो जो पानी उसमें चलता है तो उस पानी के कारण उसमें जंग सी लग जाती है, तो इसलिए वो अटक जाता है, तो उसका जो जुगाड़ है मैं बताऊँगा। मैं इस टोंटी के बारे में बता रहा हूँ, इसका फ़ोटो देख लीजिए। आज इस टोंटी के हम जुगाड़ सही करेंगे कि इसका जो रिपेयरिंग है वो हम कैसे करते हैं, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये हमारा नल है फुल राउंड का, तो इसे खोल दिया अब हमने। अब ये बंद बड़ा मुश्किल में होता है, ये देखिए अटक जाता है बीच में, कभी तो बंद हो जाता है कभी अटक जाता है ये। तो फुल राउंड फिटिंग में ज़्यादा जब पुरानी हो जाती है तो यही दिक्कत होती है। एक बार फिर देख लेते हैं हम, इसको खोल लिया, अब फिर मैं बंद करूँगा। बंद हो जाता है लेकिन बड़ा मुश्किल में होता है ये बंद, ये देखिए बीच में टपक जाता है पानी। तो अब हम इसको खोल लेंगे, इसका जो पेच है ऊपर से खोल लेंगे, फिर इसके बाद इसका जो फेस है, हम फेस बोलते हैं या कोई फिटिंग भी बोल देता है इसको, तो इसको हम रिपेयर करेंगे। तो इसको खोल के फिर हम इसको रिपेयर करते हैं। ये इसका पानी चल रहा है, इसका पानी बंद कर देता हूँ पहले तो मैं। ये गीजर का पॉइंट है हमारा, तो ये पानी हमने बंद कर लिया। अब मैं इस फेस को खोल लेता हूँ। ये हमारा एक नंबर का फेस है, ये एक नंबर की फिटिंग बोल सकते हैं। तो इसको प्लास से हम पहले खोल लेते हैं, इसके जो अंदर ये फिटिंग कसरी हमारी, देखिए ऐसे खुलेगी हमारी फिटिंग, ये नीचे को होता चला जाएगा, ये नीचे को खुलता चला जाएगा जैक की तरह, जैसे जैक होता है हमारा वैसे ही। ये देखिए ये निकल गया हमारा, ये इसमें क्या होता है जंग लग जाती है, तो इसमें अंदर बाहर होता है ना, ये ऊपर नीचे मतलब होता है ये, तो ये इसमें जंग लग जाती है तो इसमें फंस जाता है ये। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें ग्रीस लगाएंगे। ये ग्रीस है, ये जो मेरी उंगली पे देख रहे हैं आप, ये गिर गया ग्रीस। अब मैं दोबारा लगाता हूँ, तो ये जो फेस है इसके इसमें लगा देंगे हम, ग्रीस भर देंगे, इससे जो है चिकना हो जाएगा ये, तो ये अटकेगा नहीं फिर। ये देखिए इसमें अंदर भर देना ग्रीस, ग्रीस हो या वैसलीन वगैरह हो, कुछ भी ऐसी चिकनी चीज़ हो जो इसमें भर के हमारा जो फेस है वो अटके ना। तो इसको लगा के फिर हम इसमें कस देंगे। ये देखिए ये कस देना है, और कम से कम दो तीन बार ऊपर नीचे करना है, इसको खोलना और बंद करना है, जैसे जैक हम करते हैं खोलते हैं चढ़ाते हैं, ये ऐसे करना है ऊपर नीचे, ताकि हमारा ये रमा हो जाए। अब हम इसको टोंटी में कस देंगे, टोंटी में कसने के बाद फिर हम इसका हैंडल लगाएंगे। तो हमने ये कस दिया, अब हम इसका हैंडल लगाएंगे और फिर पानी खोल के चेक करते हैं। तो इसको ठोक लेता हूँ मैं, थोड़ा ठोक के फिर इसमें पेच कस दूँगा। और ये टोंटी थोड़ी लूज भी है, इसको बाद में कसूँगा, पहले आपको ये दिखा देता हूँ जो ये मैंने जुगाड़ करा है। ये मैंने पानी खोल दिया है, अब मैं इसका ऑन करता हूँ। ये देखिए ऑन कर दिया,
ये लीजिए पानी बंद हो गया, फिर खोलूँगा फिर बंद करूँगा। तो ऐसी कम से कम 5-6 बार इसको खोलना है और बंद करना है ताकि ये जो हमारी टोंटी रमा हो जाए। ये चिकनी भी हो रही है, तो मेरे हाथ फिसल रहे हैं ग्रीस से, जो है मेरे हाथ चिकने हो गए हैं और ये हैंडल भी चिकना हो गया है। तो ये फिर दोबारा खोलता हूँ मैं और फिर बंद करता हूँ। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, मेरी वीडियो को लाइक करें शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बना सकूं।